Are you trying to decide between a Master's of Management and a Master of Business Administration? Well, both degrees offer the opportunity to gain valuable business knowledge and skills. The choice ultimately depends on your career goals and interests. But what if I told you that recent data shows that MBA graduates earn an average of 25,000 more in salary than MIM graduates and have a higher likelihood of reaching C-level positions? Tune into this video to learn more about the differences between MIM and MBA and make an informed decision about which degree is right for you. हो गया तेरा इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, चल अब इंग्लिश में करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Suraj. And my name is Arslan. And we both are study abroad experts at MIMSA and Mentami. So in today's video, I'll show Arslan why MBA is better than MIM. अच्छा, ठीक है। And I will show why MIM is better. देखते हैं। देखते हैं। And our decisions will be based on aspects like popular careers, salaries, recruiters, schools, countries and the ROI. But before we begin, don't forget to hit the like button and subscribe to MMSA and get the latest study abroad updates. So get ready to fight. अबे ये लिखेगा GMAT exam में. Okay bro, let's begin with career paths and how much you can earn. So Masters in Management or MIM is my personal favorite. क्योंकि मेरे जैसे लेक्स एक्सपीरियंस वाले इंसान को एडमिशन मिलना इजी है. बट तुम एमबीए वाले क्या ही समझोगे? तुम्हें तो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एक टॉप बी स्कूल से एमबीए करने के लिए. बट भाई एमबीए ग्रेजुएट्स की सैलरी पता है कितनी है? कितनी ज्यादा है? मैं भी तो देखूं. यूएस में एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी अराउंड $120,000 है एंड द सेम फॉर अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट इट्स मोर देन $150,000. गिन ले, हाँ देख ले, तू उंगलियों पे गिनता रहे. और अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो देन यू कैन एक्सपेक्ट नथिंग लेस देन $180,000. मिलता है इतना एमआईएम से आसपास भी नहीं होगा कहीं. तो क्या हुआ ब्रो, एमआईएम भी कम नहीं है, बस 0 to 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए एंड विद दैट आई कैन बी जॉब रेडी एंड अर्न इनटू $80,000 to $100,000 पर ईयर. भाई तू कहाँ $100,000 को $180,000 से कंपेयर कर रहा है, कुछ तो सोच के बोल. तो भाई एक्सपीरियंस के साथ इंक्रीमेंट भी तो मिलेगा कि नहीं? बात तो सही है. बट भाई फिर भी कुछ भी बोल ले, एमबीए ग्रेजुएट्स की सैलरी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एमआईएम ग्रेजुएट्स. ठीक है यार तू जीता, बट ये क्लोज ही था. ठीक है चल अब बेस्ट रिक्रूटर्स को भी देख लेते हैं. देख ले भाई वहां पे भी तू आ रहा है. देख लेंगे भाई. एमबीए ग्रेजुएट्स को तो सब कंपनी रिक्रूट करती है, बट एमआईएम ग्रेजुएट्स का क्या कुछ आइडिया है? वी हैव गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, बीसीजी, बेन, मैकेंजी. मेरे को सांस चढ़ गई भाई कंपनीज का नाम लेते लेते. अच्छा भाई सांस चढ़ गई, तू पानी पी ले फिर. अब मैं अपनी कंपनीज के नाम बताता हूँ. मैकेंजी, बीसीजी, बेन, बिग फोर, यहाँ तो एमआईएम ग्रेजुएट्स भी जाते हैं. अपनी कंपनीज क्या होते, तू ओन कर रहा है इन कंपनीज को. बट फर्क ही क्या है यार, ऑलमोस्ट सिमिलर ही तो है. अच्छा ब्रो फर्क ये है कि एमआईएम करके जल्दी हार हो जाओगे और तुम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस लेना, फिर 2 साल का एमबीए करना, फिर तब आना जब हम एमआईएम वाले ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके होंगे. ऐसे मत कर यार, एमबीए बहुत प्रोफेशनल डिग्री है, तेको पता है यार सालों से यहाँ पे. मेरे कल. ठीक है यार यहाँ तू जीत गया, बिकॉज एमआईएम वाले कंपनीज के पास ज्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं. चलो मैं तुझे स्कूल्स और कंट्रीज में देखता हूँ, वहाँ आई तू देख लूंगा. But before that, as you guys are watching this video so far, I'm sure you're planning to study abroad. And if you want to target a top B school abroad this year, you can book a free 20-minute strategy session and our experts can increase your admission chances by 300%. You can find the link in the description box below. तो क्या हुआ? MIM कम है. It is the best alternative for MBA. भाई alternative है ना, alternative रहेगा. और European schools MIM को last 40 years से offer कर रहे हैं. और किसी countries ने 40 years से क्यों नहीं लिया फिर? और पास्ट 10 to 15 years से सारे टॉप स्कूल्स MIM ऑफर कर रहे हैं, यू नेम इट, यूएस में, कनाडा में, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह. MIM के लिए HEC पेरिस, LBS, ESCP, वॉटन, SAIT, ऑक्सफोर्ड और कितने नाम बोलूं भाई, अब मुझे पानी चाहिए. अबे भाई ठीक है तू तेरे को भी मिल जाएगा पानी, वीडियो खत्म कर लेते पहले. ठीक है आई थिंक यहाँ पे एक टाई हो जाएगा, बिकॉज बिजनेस स्कूल तो सारे ही बेस्ट है राइट, कुछ कॉमन भी है. बट फिर भी मान जाए MIM बाद में ही है, ठीक ठाक. MBA के सामने कुछ नहीं है भाई. चल ठीक है अब ये देखते हैं ROI किसका ज्यादा होगा. ब्रो आई थिंक ROI डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक करियर गोल्स और द इंडस्ट्री वन इज टारगेटिंग. जैसे MBA इज टिपिकली कंसीडर्ड टू हैव अ हायर ROI देन MIM बिकॉज MBA ग्रेड्स की एवरेज सैलरी ऑब्वियसली ज्यादा होती है. एंड अकॉर्डिंग टू GMAC MBA ग्रेड्स की एवरेज सैलरी USA में अराउंड $114,000 एंड MIM ग्रेजुएट्स की अराउंड $70,000 है. अरे वाह बेटे MBA की तारीफ आगे लाइन पे. रुको जरा सबर करो, देख लेंगे. MBA प्रोग्राम की कॉस्ट MIM प्रोग्राम से बहुत ज्यादा. एंड ब्रो एक टिपिकल MBA ना 2 साल की होती है एंड इट कैन कॉस्ट अराउंड मोर देन $100,000 वेयर एज MIM प्रोग्राम्स आर टिपिकली 1 year लॉन्ग एंड कॉस्ट मोर देन अराउंड $30,000 to $60,000.
इसका मतलब समझा? नहीं, बट यूरोप में एक साल की भी एमबीए होती है। अब बोल। और देख यार, एमबीए का आरओआई थोड़ा सा कम है इन द शॉर्ट रन, बट इट कैन बी ह्यूज इन द लॉन्ग रन। बट भाई एमआईएम प्रोग्राम्स का बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन आरओआई होता है, तेरे को भी पता है ये बात। बट विच अलाउज ग्रेजुएट्स टू स्टार्ट अर्निंग सूनर। ठीक है भाई। ऊपर से एमआईएम प्रोग्राम्स में स्पेशलाइज फोकस होता है, जैसे कंसल्टिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड सो ऑन। अल्टीमेटली मेरे अकॉर्डिंग तो एमआईएम बेटर, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस भी कम चाहिए एंड हाई पेइंग जॉब्स भी करोगे। बट भाई एमबीए इज नॉट बैड ईदर। आई थिंक एमबीए इज मच सुपीरियर डिग्री टू एमआईएम। एंड सबके प्रोज एंड कॉन्स होते थे को भी बताए। एंड जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर तू देखेगा तो एमबीए का आरओआई बहुत अच्छा होता है। तो आई गेस तू भाई मेरे हिसाब से तो एमबीए जीता, पर अगर तू बोलेगा तो टाई भी करा सकते हैं, तो देख ले अब। सो गाइस देखो, मेजर फोकस आपका करियर गोल्स पे है। एमबीए हैज बीन देयर सिंस एजेस, तो कुछ तो बात है ना। प्लस लॉन्ग टर्म में हायर आरओआई है एंड ऑल दैट यू नीड टू एटलीस्ट, बस एक ही चीज की हमें 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस ले लो, फिर तो तुम्हारी चांदी ही चांदी है। And if you have less experience, say less than 1 or 2 years, then MIM is the best option because it's also a reputed program. Plus, it has a low tuition fee. चलो अब end करते हैं। भाई देख, end तो तू करता रहे MBA बेटा। तो चलो भाई, अब end करते हैं। चल ठीक है भाई, देख conclusion पे आते हैं। कि MIM better है। अबे MBA भाई, चुप। चलो on a serious note, अगर आपके पास work experience कम है, let's say 1 साल का 2 साल का, then MIM makes more sense for you. But if तो राम निकला यार। बस बस बस, ठीक है भाई, सच भी बोलना पड़ता है कभी। But अगर आपके पास 3 to 5 years का work experience है, then I don't think कि MBA का कोई beat कर सकता है. So I think you should consider MBA. चलो let's wrap it up. We hope you liked the video and now you know what all is important, so you can decide for yourself whether MBA is better or MIM. And if you have any questions, just leave them in the comment section below. And if you like this video, do give it a thumbs up. Do not subscribe to MMSA. And do subscribe to MMSA to get all the latest study abroad updates. But if you are still confused about which degree, country or school will be a better choice for you, I would strongly suggest that you go ahead and book a free 20 minutes consulting session. 20 minutes. I would strongly suggest that you go ahead and book a free 20 minute consulting session with us. You can find the link in the description below. Bye guys.